मन में सवाल हो ये कोई जरूरी नहीं है। सुकरात इस बात को ध्यान में रखते हुए एक समय अपना विचार व्यक्त किए थे कि हर एक व्यक्ति एक मत के साथ जिंदा है और वो समझता है कि उसका मत ही सत्य है। Everyone is living with an opinion and he considered that opinion as truth. और यही उसके जीवन का भ्रम है। ये भ्रम कब टूटता है? जब एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है जिसके पास वही साधन है, वही रिसोर्स है, उसके पास भी एक मत है और वो भी सोचता है कि भाई यही मत हमारा सत्य, हमारा जो मत है वही सत्य है, तो कहते हैं कि फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन को उन्होंने डिस्कोर्स का नाम दिया, विमर्श का नाम दिया हिंदी में। और विमर्श एक बहुत ही मजबूत तरीका है या यंत्र है जिसके आधार पर आप सच की खोज कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो सोच रहा हूं वो कितना सच है, क्योंकि सामने वाला ही रिजेक्ट कर रहा है, फिर वो अपनी बात रह रहा है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, तो आप एक सिंथेसिस पे आते हैं कि चलो जो आपने बोला और जो हमने बोला इन दोनों के बीच का रास्ता ये है, जिसको कि आगे हेगल हो या मार्क्स हो जिन्होंने बात की कि थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस की बात की, या साइंस वाले जो लोग होंगे वो समझेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई एक्सिस के रूप में समझते हैं तो जेड एक्सिस हमेशा इमेजिनरी होता है, और वही इमेजिनरी लाइन जो है या सोसाइटी में वही इमेजिनरी पोजिशन जो है वो एक शांति बहाल करके रखता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में सवाल भी हो, लेकिन सवाल होना चाहिए अपने विषय में, समाज के विषय में, और जो काम हम कर रहे हैं उसके विषय में।